हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम दीपाली है और मैं फिर से एक रेसिपी के साथ हूँ। मैं नौ दुर्गे के व्रत की रेसिपीज़ बना रही हूँ, आप इसे किसी भी व्रत में खा सकते हो। तो आज मैंने पूरी थाली बनाई है, व्रत की थाली। तो इसमें चलिए मैं आपको एक एक करके बताऊँगी। पहले सबसे पहले मैंने कोफ्ते की तैयारी कर ली है, तो ये कोफ्ते बनाऊँगी मैं, जिसमें कि मैं इन्ग्रीडियंट्स बता दूँ आपको क्या क्या पड़ेंगे। तो ये हरी मिर्च, हरी मिर्च अगर आप नहीं खाते हैं तो आप इसे हटा भी सकते हो। धनिया, उबले हुए आलू और ये लौकी मैंने उबाल ली है। ये वो मिर्च मसाला है जो मेरी मॉम ने बताया, मैं पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। सेंधा नमक और सिंघाड़े का आटा। तो चलिए अब अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सबसे पहले हमने लौकी ले ली, एक आप बड़ा सा कोई भी पैन ले लीजिए, उसमें लौकी डाल दी जो उबाली हुई थी मैंने। इसको उबालने के लिए बहुत ही आसान से आप एक पैन में पानी ले लीजिए और उसको दो तीन मिनट लौकी, कद्दूकस की हुई लौकी आप उसको डाल दीजिए। उसके बाद जब वो खौल जाए तो आप उसे छन्नी से छान लीजिए ताकि उसका सारा पानी निकल जाए और फिर आप उस लौकी को यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, अब मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं। ये बॉयल्ड आलू हैं या पहले से ठंडे आलू रखिए, बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं हो ताकि जल्दी से मैश हो जाए। मिर्च, धनिया और फिर सिंघाड़े का आटा, तीन चम्मच आटा डाल दीजिए। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आप उस अकॉर्डिंग डाल दीजिए। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ता है क्योंकि फिर आटा गीला हो जाता है। और अब हम इसमें डालेंगे व्रत का मसाला, इसमें भी मिर्च पड़ी होती है, अगर आपके पास नहीं है तो आप अलग से मिर्च डाल दीजिए। और अब इन सारी चीज़ों को एक साथ मिला लीजिए, पानी मत डालिएगा नहीं तो इसका ये पूरा गीला हो जाएगा और कोफ्ते अच्छे नहीं बनेंगे। तो मैं अब इसको अच्छे से पूरे इसको मिला लूँगी, इस पेस्ट को पूरा एक अच्छे से फॉर्म में बना लूँगी ताकि मैं इन सब की गोलियाँ बहुत ही अच्छे से बना सकूँ। तो ये देखिए मेरा, अब ये मैंने कोफ्ते का ये पूरा तैयार कर लिया और मैं अब कोफ्ते बनाऊँगी इससे। इसके लिए मैं इसमें दो तीन ड्रॉप्स ऑयल के ऐड करूँगी या घी के ऐड करें, मैंने मेल्टेड घी यूज़ किया है मैंने, आप जो भी यूज़ करते हैं ताकि ये हाथ में ना चिपके और अच्छी से गोलियाँ बन जाएँ इसकी। तो अब मैं यहाँ फटाफट से इसकी गोलियाँ बना लेती हूँ ताकि मैं इसको फिर फ्राई करूँ और कोफ्ते के लिए यूज़ करूँ। तो ये देखिए, गोलियों का शेप आप कोई भी बना सकते हो, अगर आप गोल बनाना चाहो या थोड़ी सी लंबी बनाना चाहो, जैसे आप कोफ्ते बनाते हो उस शेप में आप इसको दे लीजिए। तो ये देखिए, ऑयल यूज करने से ये हाथ में भी नहीं चिपकी और काफी अच्छे से बन गई। देखिए मैंने यहाँ पे पांच लोई बना के रख ली हैं। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने कोफ्ते को बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप एक कढ़ाई, गर्म कढ़ाई में घी डाल लें, मेल्टेड घी यूज़ करिएगा तो आराम से जल्दी, थोड़ा टाइम नहीं लेगा। मैंने कढ़ाई के गर्म कर ली थी और घी मैंने कोफ्ते के लिए मेल्ट किया था, तो ये वही घी मैंने यूज कर लिया है। तो देखिए अब मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है और मैं इसमें कोफ्ते डालूंगी। तो कोफ्तों को मैं अच्छी तरीके से दोनों साइड से सेक लूँगी, मैं तब तक सेकूँगी जब तक ये रेड नहीं हो जाते हैं। और इसको तेज़ आंच में पहले डालिएगा, उसके बाद गैस को स्लो कर दीजिएगा ताकि ये अंदर तक ही अच्छे से पक जाएं, कच्चे ना रहें। तो इसको तब तक पकाइए जब तक ये रेड कलर के नहीं हो जाते। तो अब मेरे कोफ्ते रेड कलर के हो गए हैं और मैं इनको निकाल के साइड में रख दूँगी और फिर मैं इसकी ग्रेवी बनाऊँगी अलग से। तो पहले चलिए, अब ये पक गए हैं, ये देखिए, अब मैं इनको साइड में रखती हूँ पहले। तो ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया, आप भी ऐसे फ्राई कर लीजिए। तो चलिए आप तैयार करते हैं इसकी ग्रेवी, इसको साइड में रख देंगे हम, ये ठंडे होते रहेंगे। तो इस ग्रेवी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, धनिया, मिर्चा, जीरा और ये नमक। तो मैंने ये टमाटर प्यूरी इसको पीस लिया है मिक्सर में, आप इसमें टमाटर, मिर्चा, काली मिर्च और नमक का यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका कुछ इस टेक्सचर की बना लीजिएगा। उसके बाद एक पैन चढ़ाइए, पैन में जब घी गरम हो जाए उसमें जीरा डाल दीजिए, जब जीरा भुन जाए तो उसमें मिर्ची डाल दीजिए, मिर्ची नहीं डालने तो कोई बात नहीं, मत डालिए। फिर ये जो ग्रेवी थी इसको आप डाल दीजिए और ये थोड़ा सा नमक मैंने डाल दिया, नमक आप जैसा टेस्ट हो आपका उस अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और ये वो मिर्च मसाला मैंने डाल दिया जो व्रत का मसाला था। अब जब ये हो जाए और थोड़ा सा इसमें उबाल आने लगे तो फिर आप इसमें थोड़ा सा पानी मिला दीजिए, बहुत ज़्यादा पानी मत मिलाइएगा, इतना पानी मिलाइएगा कि आपके कोफ्ते अच्छे से उसमें फूल जाएँ, अच्छे से पक जाएँ। और इसको ढक दीजिए, फिर ढक के आप देखिए इसमें उबाल आ रहा है, इसी अकॉर्डिंग आप भी इसको पका लीजिएगा। जब ये अच्छे से इसमें उबाल आ जाए तब आप इसमें जो आपने कोफ्ते की पकौड़ी बना के रखी है उस पकौड़ियों को इसमें डाल दीजिएगा
और ये देखिए मैंने पकौड़ियाँ डाल दी हैं सारी, और अब मैं इसको भी थोड़ी देर ढक के पका लूँगी, तब तक पकाऊँगी जब तक ये पक नहीं जाएगा। फिर आप एक बार चेक कर लीजिएगा इसको एक चम्मच से कट करके कि आराम से पक गए हैं या नहीं पके हैं, फिर ये फूल जाएंगे और इसको भी मैं साइड में निकाल के रख लूँगी। तो ये देखिए कोफ्ते मेरे तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही अच्छे बनते हैं अगर आप ट्राई करेंगे व्रत के लिए, तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है कोफ्ता, वो भी व्रत का, इतना अच्छा टेस्टी कोफ्ता, आप ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। और मैंने इसमें थोड़ी सी धनिया डाल दी है और अब मैं इसको साइड में रख दूंगी। तो ये देखिए मेरा कोफ्ता बिल्कुल तैयार है। और अब मैं आगे के स्टेप की बढ़ती हूँ, तो मैंने थोड़ी सी, इसको कहते हैं हम लोग इसको कचरी बोलते हैं, कुछ लोग आलू के लच्छे बोलते हैं, ये मम्मी मेरी व्रत के लिए स्पेशली बना के रखती हैं। तो अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं दे दूंगी, बहुत फटाफट बन जाती है। तो ये इसमें घी चढ़ाइए और जब घी थोड़ा सा हो जाए, पक जाए, तब इसमें ये आप कचरी डाल के इसको जल्दी से निकाल लीजिए, बहुत टेस्टी होती है। आप इसमें ऊपर से थोड़ा सा नमक डाल के भी खा सकते हैं। तो ये कचरी तैयार हो गई है मेरी। तो अब मूव करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने प्रिपेयर कर ली, अब हम बनाएंगे सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ। तो चलिए जल्दी से हम सिंघाड़े का आटा सान लेते हैं। और अगर आपको सिंघाड़े के आटे की पूड़ियाँ नहीं बनानी होती है तो मैं आपको वीडियो करके बना के बता दूंगी, वैसे इसमें कुछ नहीं है। सिंघाड़े का आटा लीजिए, थोड़ी घुइयाँ या आलू, आप कुछ भी थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, अगर आप घुइयाँ नहीं खाते हैं तो खाली आलू और सिंघाड़े का आटा यूज़ करिए। इसमें मैंने ये 2-3 ड्रॉप जो भी डाला था ये घी था, ताकि इसमें ये चिपचिपापन चला जाए और हाथों पे ना लगे, इसलिए मैंने इसमें घी का यूज़ किया था। तो देखिए मेरा आटा तैयार होके मैंने लोई बना ली है, और ये मैंने सिंघाड़े का आटा लिया है। तो इसकी मैं आराम से अब लोई बना के आपको दिखाती हूँ। पूड़ियाँ बेल लीजिए बहुत आसानी से, बहुत ही सॉफ्ट सा होता है, तो पूड़ियाँ बहुत आराम से बेलिएगा, पतली मोटी आप जैसा खाना चाहें वैसे आप बेलिए। तो मेरा पैन ये पहले से ही मैंने यूज़ किया हुआ है, तो इसमें मैंने अलग से घी डाला और अब मैं इससे पूड़ियाँ इससे निकाल लूँगी। वही है कि तेज़ में पूड़ी डालिए और थोड़ा धीमे में पकाइएगा, क्योंकि सिंघाड़े का आटा अंदर तक पकता नहीं है तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो धीरी आँच में पूड़ियाँ अच्छी अच्छी तल लीजिए बहुत बढ़िया से। तो ये देखिए मेरी बढ़िया सी पूड़ी तैयार है, आई होप आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, मुझे तो बहुत टेस्टी लग रही है। मैं पहले भोग लगाऊंगी, मैं आपको बता चुकी हूँ जो भी खाना बनाऊंगी मैं वैसे पहले माता को भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही खुद खाऊंगी। तो चलिए मेरी पूड़ियाँ तैयार हैं। तो ये बन गया है मेरा पूरा खाना, ये रही पूड़ियाँ और ये आलू के लच्छे, कचरी, ये कोफ्ता की सब्ज़ी जो बहुत ही अच्छी दिख रही है, और ये है लौकी की खीर जो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, अगर आप अलग से खाना चाहें तो भी खा सकते हैं। इसकी रेसिपी मैंने अलग से अपने चैनल पर डाल रखी है, तो अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आप इसे मेरे चैनल पर जाइए और देख लीजिए। इसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है खाने की अलग से, तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। और फिर ये है रायता, ये रायता खीरे का रायता है, खीरा, दही और व्रत का नमक इसमें पड़ा है, ये भी बहुत आसानी से बन जाता है। और ये व्रत के आलू की सब्ज़ी, इसे भी मैंने थाली में रखा है, लेकिन इसकी भी रेसिपी मैंने अलग से डाल रखी है, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती तो मैंने खीर और आलू की रेसिपी अलग से बनाई है। तो उसे देखने के लिए आपको मेरे चैनल पे जाना होगा, और वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है तो आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी देखने में, तो आप इसे देख लीजिए जाके। वहाँ मैंने कुछ खीरे की स्लाइसेस भी काट के रखी हुई हैं, तो अगर आप वो भी खाना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो ये कुछ था आज का वीडियो, पूरे व्रत की थाली है और बहुत ही स्वाद बनी है, बहुत ही टेस्टी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर ट्राई करिएगा तो मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपने मेरा कुछ बनाया हुआ आपने भी ट्राई किया और आपको कैसा लगा। और अगर आप मुझसे शेयर करेंगे ना तो मुझे लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं आपसे जुड़ रही हूँ। तो थैंक यू मेरे वीडियोस को देखने के लिए, और अगर आपको ऐसे ही लगातार वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए और नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।